कर्नाटकातील सरकारनं घातलेल्या हिजाब बंदीचा निषेध करत ताज सोशल ग्रुपच्या वतीनं जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांना निवेदन देण्यात आलं. कर्नाटकातील उडुप्पी मंगळुरू भागात हिजाबच्या नावाखाली शिक्षणापासून वंचित ठेवणाऱ्या कर्नाटक सरकारचा निषेध करत ताज सोशल ग्रुपच्या वतीनं जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांना निवेदन देण्यात आलं. कर्नाटक सरकारनं घेतलेला निर्णय मागं घेण्यास भाग पाडावं अशी मागणी नगरसेवक तौफिक शेख आणि ताज सोशल ग्रुपचे अध्यक्ष सिद्दीकी शेख यांनी केली आहे. कर्नाटक राज्य सरकारने जो मुस्लिम समाज के बच्चों पर जो अन्याय कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, जाति कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना. और हिजाब का जो पाबंदी का जो कायदा वो लाने वाले हैं, वो कायदा जो लागू नहीं होना, ताकि और जो हिजाब जो है हमारे इस्लाम धर्म का एक हमारा पहनावा है, एक हमारा गहना है, क्योंकि हमारे माँ बहनें इज्जत के लिए, अपना चेहरा ढकने के लिए, चेहरा छुपाने के लिए जो हिजाब वो बुरका जो पहनते हैं, वो हमारे इस्लाम धर्म के अंदर है. और भारत देश के अंदर हर धर्म के लोगों को उनके तरह से जीने का ना धर्म से रहने का अधिकार है. ये बाबा साहब ने घटने के अंदर लिखा है. भारत देश जो है सर्वधर्म संभव का प्रतीक है. यहाँ हर सभी लोग और यहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन हमारे मुस्लिम समाज के बच्चों पर जो अन्याय हो रहा है, जुल्म हो रहा है, जाति हो रही है, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करने वाले. कायदे के दायरे में रहकर हम यहाँ पर निवेदन दिया है. अगर ये कायदा रद्द नहीं हुआ तो अभी तो सिर्फ हमारे फैमिली के बच्चे लोग हैं, अगर ये कायदा रद्द नहीं हुआ तो हम सोलापुर शहर जिले के हमारे माँ बहने हो, नौजवान हो, बुजुर्ग लोग, जमात के जिम्मेदार लोग को सबको लेकर हम इंशाल्लाह रास्ते पर उतरेंगे. कर्नाटक उडुपी मंगलूर में जो हिजाब के बारे में कॉलेज में लेडीज को और माँ बहनों को हमारे सताया जा रहा है, एक मुस्लिम धर्म है बोल के लोग हिजाब पहनने से मना कर रहे हैं, उस सिलसिले में हम कर्नाटक सरकार का धिक्कार करते हैं. और एक तो हमारे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोल के ये नारा देते हैं और उल्टा हमारे समाज के बच्चियों को उसके दूर रखने के लिए हिजाब का नया एक मैटर चालू किए, जिससे हमारे लोगों लेडीज़ कॉलेज को जाने के लिए डर रही है. इसका निषेध ताज सोशल ग्रुप कर रहा है.